हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज 5 जून है और पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। मेरी तरफ से भी आप लोगों को पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रकृति की रक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकें और पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम सभी को पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक छोटे से स्तर पर, क्योंकि हम टेरेस गार्डन में बहुत छोटे स्तर पर ही सही लेकिन एक प्रकृति से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए, अपने आप हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति हमसे जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कुछ पक्षी हैं, घोंसला बनाए हैं, छोटे छोटे बच्चे अंडे दिए हैं, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे आए हैं इसके। तो इस तरह से हम तितली हैं, भौरे हैं, मधुमक्खी हैं, इस तरह से पक्षी, इन्हें पिंजरे में कैद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो ये हमसे अपने आप जुड़ जाएंगे और अब ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे कि साथ ही में रह रहे हैं। अभी ये मेरे टेरेस पर ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं, ये हमसे बिल्कुल भी नहीं डरती है और 1 महीना हो गया यहीं पर रह रही है। और ये देखिए, इस तरह छोटे छोटे बच्चे दिए हैं इनने, ये देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर हैं। तो इस तरह से यदि हम पर्यावरण से जुड़ेंगे तो पर्यावरण अपने आप हमसे जुड़ जाएगा। इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे की भी एक अहम भूमिका होती है, तो उसी प्रकार पक्षियों की भी एक अहम भूमिका होती है। जिस तरह से पेड़ पौधे जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, उसी तरह से खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने में पक्षियों की भी अहम भूमिका होती है। यदि पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो पक्षियों के आश्रय स्थल जो है वो भी कम हो जाएंगे। तो आज हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी पहल, अपने टेरेस में, बालकनी में, आंगन में, कहीं पर भी छोटे छोटे पौधे लगाकर हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। जिस तरह से हम पेट्स के प्रेमी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यदि हम पेड़ पौधे के भी प्रेमी हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 पेड़ लगाना ज़रूरी नहीं है, 1 या 2 पौधे से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पौधे या बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, ऐसे छोटे पौधे से ही हम घर में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये डेली उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं जो हमारे काम भी आएगी और प्रकृति का भी संरक्षण हम इस तरह से कर सकते हैं छोटे स्तर पर। भारत में 130 या 135 करोड़ जनता है और यदि सब एक एक पौधे भी लगाते हैं तो एक साथ 130 या 135 करोड़ पौधे हम एक साथ लगा सकते हैं और एक छोटी से पहल में ही हम कितना बड़ा पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए आज ही शुरुआत करते हैं एक एक पौधे लगाकर, और अपने जान पहचान वालों को भी इससे प्रेरित करें, जागरूक करें कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधे लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो पर्यावरण पर ही था और एक छोटी सी पहल थी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और सबको पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ।